श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री श्री हरिदास। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी मुस्कुराहट के साथ साथ इतने महान कार्य करते हैं जो हर कोई देखकर हैरान होता है। माताओं की सेवा करनी इतनी आसान बात नहीं है। माँ इतने सारे बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, लेकिन आजकल की बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। अब वही हाल है जो इस कलयुग में इतनी सारी माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं। गुरुदेव उनका सहारा बने हैं, प्रभु के किसी ना किसी रूप में आकर सहारा बनते हैं। माता को किसी प्रकार की मोच या शायद चोट आई थी, जो गुरुदेव उनको तुरंत गोदी में एम्बुलेंस में तक पहुँचाया। एम्बुलेंस लेके गई हॉस्पिटल, गुरुदेव ने उनका इलाज कराया। गुरुदेव साथ में भी गौ माता की, जो अपने सनातन हिंदू धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा देते हैं, तो गौ माता की सेवा उनको अति प्रिय है। जब उनके पास जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, गौ माता भी अपनी पूरी मंडली बनाकर गुरुदेव को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रेम लुटाती हैं। माँ की गौ माता हुई या जन्म देने वाली माता हुई, माँ माँ होती है। पुत्र के लिए जितना प्रेम माता के अंदर होता है, गौ माता भी उतना ही प्रेम करती है। देख सकते हैं गुरुदेव उनको हर पल खुशियाँ देने की प्रयास करते हैं, गौ माता को भी और माता को भी। जब गुरुदेव मिलते हैं माताओं से, तो उनके चरण दबाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके ऊपर पुष्प बरसाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। गौ माता की मालिश करते हैं गुरुदेव, गौ माता उनको चाटती हैं, बहुत प्रेम दुलार लुटाती हैं। ऐसा लगता है साक्षात इस कलयुग में भगवान ही एक इस रूप में आए हैं, सेवा कर रहे हैं महान। सदा ये मुस्कुराहट बरकरार रहे हमेशा, और हम सब भक्तों की दुआ गुरुदेव के लिए बनी रहे। ठाकुर जी की इतनी कृपा बरसे कि जो गुरुदेव को और सपने हैं वो भी साकार हों, में पूरे हों। में देख सकते हैं गुरुदेव अपनी पावन वाणी से, पावन कथा का सबको रसपान देते हैं। इतनी अद्भुत भजन गाते हैं, सभी भक्त मगन होकर नाचने लग जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, मानव तन हमको प्राप्त हुआ। इस योनि में ही हम भजन कर सकते हैं, इस योनि में ही हम अपने कथा सुन सकते हैं, इसी योनि में अपने अच्छा कर्म कर सकते हैं। ये तन गवाया, सब कुछ गवाया। जैसे कि आप देखते हैं 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन मिलता है, तो इसे व्यर्थ ना करें, हर कार्य कीजिए। बस ध्यान रहे, गलत ना करें और ईश्वर से डरें, गलत कार्य करते से डरें, और हमेशा अपने जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमाइए, धन कमाइए, ऐश्वर्य कमाइए, आराम कमाइए, लेकिन अपने धन को धर्म से जोड़ें और अपने जीवन में किसी ना किसी को माने, चाहे वो शिव जी हों, हनुमान जी हों, माता रानी हों, या राधे कृष्ण भगवान हों, या राम प्रभु हों। जिसमें आपकी श्रद्धा भावना जागती है, आप उनको मानिए और सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से मानिए। हमेशा प्रभु आपके साथ खड़े होते हैं हर कार्य में। आपके नेक इरादे हों, अच्छे विचार हों, तो प्रभु किसी मोड़ पर भी आपको गिनने नहीं देते। वैसे ही श्री अनुरुद्धाचार्य जी, गुरुदेव इतना सेवा महान करते हैं, इनको जो भी देखता है, इनसे मिलता है, इनकी वाणी को सुनता है, इन्हीं का दीवाना हो जाता है। देश में नहीं, अन्य विदेशों में भी बहुत बहुत इनको दिल से दुआ करते हैं जो भी इनको देखता है। विदेशों में भी इनको सुन रहे हैं कथा आस्था चैनल के माध्यम से, और उन्होंने यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा एक विजय पाई है, जो डायमंड बटन मिल चुका है इनको, और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर विदेशी लोगों ने इनको डिग्री दी गुरुदेव को, क्योंकि महान कार्य गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहे हैं वो आज से लग किसी ने नहीं हो करे इस संसार में। देख सकते हैं आजकल के बेटे अगर अपनी माता पिता की सेवा करें तो आश्रम बनाने ही नहीं पड़े, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूजा पाठ ना भी करो, मन में नाम जपते रहना, माता पिता की सेवा करते रहना और हमेशा अपना अच्छा कर्म करते रहना, यही तुम्हारी पूजा है।
बस ध्यान रहे किसी का मजाक मत बनाना या किसी संत को सताना नहीं है, किसी के पूजा पाठ का मजाक नहीं बनाना, भक्तों को बिल्कुल नहीं सताना है क्योंकि भगवान हर चीज़ को क्षमा कर देते हैं, भक्तों को सताने वालों को कभी क्षमा नहीं करते। ये प्रभु का प्रेम है भक्तों के नज़दीक जो हमेशा हर पल उनको महसूस होता है और तुम्हें भी। देख सकते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महान गुरु, ऐसे जिसने भी गुरु बनाए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, इनको परम ज्ञान भी है। जब ये ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं भक्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत श्रद्धा से प्रेम भाव से कथा सुनते हैं। वृंदावन में इनको निवास मिला है जो ठाकुर जी की भूमि है और सौभाग्यशाली वहाँ पर वृंदावन में बहुत भाग्यशाली भक्त रहते हैं और ब्रजवासी कहते हैं। और हम सभी प्रार्थना करें कि श्री राधा रानी हम सबको जो वृंदावन में नहीं गया है और जो जाना चाहता है उन सबके लिए प्रार्थना है राधा रानी से कि हम सबको बुलाएं, अवसर दें आपके दर्शन का श्री राधा रानी का और कथा सुनने का भी। देख सकते हैं कथा महासंत भी सम्मिलित हैं कथा में और गुरुदेव बहुत प्यारे लग रहे हैं और ठाकुर जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक साइड हमारे जगन्नाथ जी हैं, मंची बहुत प्यारा अद्भुत लग रहा है। ये देख कर सभी भक्तों के हृदय में बहुत प्रेम श्रद्धा भाव जागता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हम वृंदावन में नहीं जा पा रहे हैं तो हमें अपने घर के माध्यम से कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज तक चैनल से काफ़ी भक्तों जुड़कर करोड़ों से भी करोड़ों का जीवन सुधर चुका है कथा सुनकर। गुरु को मानते हो प्यार परे कमेंट्स करें, जय श्री राधा लिखना ना भूलें कमेंट्स में। और अगली वीडियो इनको चाहिए, आपको चाहिए इनके बारे में जानकारी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको और अपडेट ला सकें। और जब तक अपने आस्था चैनल से कथा सुनकर अपना जीवन सुधार सकते हो। गुरुदेव ने काफ़ी लाखों करोड़ों भक्तों की दारू छुटवाई है और काफ़ी करोड़ों भक्तों का घर परिवार जलने से बचाया है। बहुत ज्ञान पाकर जीवन में हर भक्त धन्य हुआ है, जीवन जीने का सही तरीका समझा है। और ऐसी वाणी ऐसे गुरु को हम सबको दिल से बहुत ज़्यादा प्रार्थना है, सदा ऐसी हमारे गुरुदेव की मुस्कुराहट बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। और बस अपने जीवन में आप सभी ध्यान रखें, गुरु कोई भी हो जिससे अपने अपने गुरु का बहुत सेवा करें और उनका आज्ञा का पालन करें। और गुरु क्या सिर्फ मानने ही नहीं होता है, गुरु के वचनों पर भी चलना होता है। और जो गुरु कहें, कहते हैं ना जी, छत तक हमें पहुंचना होता है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही हमें परमात्मा से मिलना है तो गुरु का कहना मानना है। तो गुरु ही हमारे मातृ भगवान तक पहुँचाते हैं, तो ऐसे परम गुरु ऐसे हमारे भगवान स्वरूप हैं। तो अपने गुरु का भी ध्यान रखें, अपने माता पिता का भी ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।